नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मयूर नॉवल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो हर कक्षा के लिए उपयोगी रहेगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को बहुत ध्यान से सुने और ध्यान से देखें और समझने का पूरा प्रयास करें। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जो हमारा विषय रहेगा सर्वनाम। क्या रहेगा विद्यार्थियों? सर्वनाम। आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है सर्वनाम। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, संज्ञा को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने संज्ञा नहीं पढ़ी है तो पुरानी वाली क्लास को अवश्य देखें, तो भी आपको सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आएगा। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, नाम से ही लग रहा है दो शब्दों के मेल से सर्वनाम जो है कितने शब्दों के मेल से बना है? दो शब्दों के। सर्व धन नाम, सर्व और नाम, दो शब्दों के मेल से क्या बना है? सर्वनाम। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम, सर्व का अर्थ होता है सब, सर्व का अर्थ क्या होता है? सब। और नाम का अर्थ होता है नाम, तो क्या होगा इसका अर्थ? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है विद्यार्थियों? सबका नाम। क्या होगा विद्यार्थियों? सबका नाम। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। अभी विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो सर्वनाम है ये क्या होते हैं, तो हम दो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कहूं राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, यह मैंने वाक्य लिखा राम विद्यालय जाता है। मैं दूसरा वाक्य लिखूं राम और विद्यालय में पढ़ता है, और आगे देखिए मैं बार बार राम राम शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो जहां मैं इसकी पुनरावृत्ति कर दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में मैं राम की जगह लिख लेता हूं वह, और यहां पर लिख रहा हूं वह वहां पढ़ता है। देखिए विद्यार्थियों, ये दो शब्द हैं, राम की जगह मैंने वह लिख दिया, विद्यालय की जगह वहां लिख दिया। अब इन दोनों की जगह मैंने, जैसे राम है, राम की जगह मैंने वह लिख दिया, विद्यालय की जगह वहां लिख दिया, ये जो दोनों शब्द हैं, राम शब्द क्या था? संज्ञा था, विद्यालय भी संज्ञा है। हम बात कर चुके हैं कि संज्ञा जो है, जितने भी शब्द हैं सारे संज्ञा है, जो भी नाम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और ये सब संज्ञा था, इसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? वह वहां पढ़ता है। अब देखिए विद्यार्थियों, राम की जगह मैंने वह इस्तेमाल कर दिया, यही क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको मैं वापस परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, तो ध्यान दीजिए परिभाषा क्या होगी सर्वनाम की। आप तो इस पूरी कक्षा को देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए परिभाषा पर कि सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है, सर्वनाम किसे कहते हैं। जो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सर्वनाम कहते हैं। हमने देखा है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर क्या आते हैं? प्रयुक्त होते हैं या काम आते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। अब देखिए संज्ञा हमने पढ़ा है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब किसी व्यक्ति के स्थान पर वो शब्द काम में आ जाए तो हम उनको जो है सर्वनाम कह सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ वे शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान की जगह जो है प्रयुक्त किए जाएंगे उन्हें भी मैं सर्वनाम कह सकता हूँ, यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले। जैसे देखिए अभी हमने देखा था राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है, वह वहां पढ़ता है,
वह वहाँ क्या करता है, पढ़ता है। अब देखिए विद्यार्थियों, राम की जगह मैंने वह लिख दिया, विद्यालय की जगह मैंने वहाँ लिख दिया, तो इस प्रकार से हम इनकी जगह जो है वह का इस्तेमाल किया, राम की संज्ञा की जगह जो हम प्रयुक्त करते हैं। मैं यहाँ पर वापस लिखता राम विद्यालय में पढ़ता है, तो इस प्रकार से जो है ये अच्छा नहीं लगता, बार बार संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होना ठीक नहीं है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सर्वनाम की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्वनाम के जो है कितने जो है भेद होते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, सर्वनाम के भेद सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए नाम देखते हैं 6 के। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे भेद की बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, चौथा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और फिर पांचवा भेद है संबंध वाचक सर्वनाम। छठा भेद है निज वाचक सर्वनाम। कौन सा है विद्यार्थियों? निज वाचक सर्वनाम। आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। ये आपको ध्यान रखना है, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निजवाचक। अब देखिए विद्यार्थी इनको समझते हैं कि भेद है क्या, किसे कहते हैं, किस प्रकार से जो है ये सर्वनाम के भेद। अब देखिए यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है पुरुष, पुरुष का बोध कराने वाले, अर्थात हम कह सकते हैं वे शब्द जो वे संज्ञा हम कह सकते हैं वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला और सुनने वाला एवं अन्य व्यक्ति के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वाचक का अर्थ होता है बोलने वाला, वक्ता जो होता है उसको वाचक बोलते हैं, यानी बताने वाला हम कह सकते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद माने जाएंगे? 3 भेद माने गए हैं। पहला कौन सा है? कहने वाला। कहने वाला होता है जो बोलने वाला है या कहने वाला, उसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। और फिर है जो सुनने वाला है, सुनने वाला, इसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। वाचक सर्वनाम पीछे लगा सकते हैं हम, वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए। कितने माने गए विद्यार्थियों? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। तो हम ध्यान दे सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला है कहने वाला यानी बोलने वाला जो है उसके लिए उत्तम पुरुषवाचक आ जाएगा। सुनने वाले जैसे आप हैं, मैं आप बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैं जिसके बारे में बात करूं यानी उसको कहते हैं अन्य, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना विद्यार्थियों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाला, सुनने वाला अर्थात अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा भेद क्या कह रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या भेद है? निश्चय। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं। अगला वेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है विद्यार्थियों? अनिश्चयवाचक। नाम से ही लग रहा है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए सभी। अनिश्चय वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। क्या नहीं कराते हैं? बोध नहीं कराते हैं। और अगला भेद देखिए विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक। अगला भेद क्या कह रहा है? प्रश्न। वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं। प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या खा रहे हो। और अगला देखिए संबंध। नाम से ही स्पष्ट है विद्यार्थियों, संबंध वाचक सर्वनाम। आपको मैं भेद अभी संक्षिप्त रूप से समझा रहा हूँ, मैं पुनः आगे वाली कक्षाओं में आपको पूर्ण विस्तार से समझाने वाला हूँ। अभी मैं इनकी परिभाषा बता रहा हूँ कि किसे कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वापस निजवाचक सर्वनाम आ रहा है विद्यार्थियों। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मैं अपना कार्य अपने आप कर लूंगा। तो इस प्रकार से जो है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आज हम पहला भेद पढ़ने वाले हैं। कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे विद्यार्थियों? पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दे, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो एक बार ध्यान दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है। अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले एवं अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, ऐसी स्थिति में हम उनको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके भी कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? 3। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये आपके जो हैं इसके भेद हैं पुरुषवाचक के। तो इसमें उत्तम पुरुषवाचक में क्या आएगा? जैसे मैं हैं, हम हैं। मैं अपने बारे में कहूँ, उत्तम का मतलब होता है मैं खुद, यानी जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है। जैसे मैं हैं, हम हैं, इस परिभाषा भी हम देखेंगे। तो इसमें हमें लिख सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, इसमें हम लिख सकते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है। जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है।
अपने लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, मैं और हम सब। उसके बाद में है मध्यम पुरुष, मध्यम में आप आएंगे, कौन आएंगे? आप, जो आप मेरी बात सुन रहे हैं, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुष वाचक का दूसरा भेद कौन सा है विद्यार्थियों? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। इसमें अगर अपने से कोई छोटा है तो हम तू भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं, और इस प्रकार से अगर हम किसी को सम्मान देना चाहे तो हम उसे आप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप भी कह सकते हैं। इसमें क्या आएगा? तू, तुम, आप, वे सर्वनाम, जिनका वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। किसके लिए विद्यार्थियों? सुनने वाले के लिए, जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाए, जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, सुनने वाला वाले के लिए, जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए, जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, किया जाता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम कोष्टक बंद कर सकते हैं। अब है अगला, जैसे मैं कहूँ, इसमें मैं वाक्य बना सकता हूँ, मैं बाजार गया, हम बाजार जाएंगे, तुम अपना कार्य करो, आप कब आएंगे, इस प्रकार से वाक्य। ये जो तुम है, आप है, ये सर्वनाम शब्द कौन से हैं? मध्यम पुरुषवाचक। उसके बाद में तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है विद्यार्थियों? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आएगा? अन्य में यह भी आ सकता है, वह भी आ सकता है, ये और वे, इस प्रकार से जो शब्द आएंगे वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या हो सकता है? जैसे यह और वह, ये, वे, वो, ये पांचों शब्द आप है ना अच्छी तरह से याद रखना विद्यार्थियों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ये आते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे होता है? जिनका प्रयोग ना तो बोलने वाले के लिए, ना सुनने वाले के लिए, बल्कि अन्य व्यक्ति के लिए होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिनका प्रयोग बोलने वाले एवं सुनने वाले के लिए ना करके, सुनने वाले के लिए ना करके अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो है पुरुषवाचक सर्वनाम को देखा है, पुरुषवाचक के तीन भेद देखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें क्या आएगा? यह है, वह है, ये, वे। जैसे मैं पास की वस्तुओं को यह कह सकता हूं, और अगर पास में एक वचन में है तो यह कह सकता हूँ, बहुवचन में है तो ये कह सकता हूँ, और दूर कोई वस्तु है और उसको मैं वह कहूंगा एक वचन में है तो, अगर दूर कोई वस्तु है और ज्यादा है बहुवचन होगा तो वे कहेंगे। इस प्रकार से जो है पुरुषवाचक को आज हमने समझा है, और आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कक्षा को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास भी किया होगा आपने, और इसी प्रकार से हम आगे वाली कक्षा में मिलते हैं।